नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडी ऑनलाइन में। दोस्तों मैं शशांक और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के सबसे आखिरी गांव के बारे में। चलिए बात करते हैं भारत के सबसे आखिरी गांव के बारे में। सब्सक्राइब करें पंडित जी ऑनलाइन चैनल को और घंटी बजाना ना भूलें नई वीडियोस देखने के लिए। आर्थिक रूप से परेशान रहने वाले लोगों के लिए भारत का यह आखिरी गांव किसी चमत्कारी जगह से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है यहां भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि यहां जो भी आता है उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। यह गाँव है माणा गाँव। माणा गाँव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सीमा स्थित इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह गांव शाप मुक्त है और जो भी इस गांव में आता है वह व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र तल से करीब 3000 फुट ऊंचाई पर बसे इस गांव में कई ऐतिहासिक स्थान हैं। गांव को जाते ही सबसे पहले गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान गणेश वेदों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में बहने के कारण शोर कर रही थी। ऐसे में गणेश जी ने कहा कि वो शोर कम करें क्योंकि उन्हें कार्य में व्यवधान हो रहा है, लेकिन सरस्वती नदी नहीं मानी। इस बात से नाराज भगवान गणेश ने शाप दिया कि इससे आगे वह किसी को नहीं दिखेगी। इसी जगह वह सरस्वती नदी उस दूरी पर जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। सरस्वती नदी पर ऊपर भीम पुल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से किनारा मांगा, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। ऐसे में महाबली भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर उसके ऊपर रख दी, जिससे इस पुल का निर्माण हुआ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी है, उसको भी बजा दें, जिसकी वजह से आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हमारी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।